नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल मूवी आला में। आइए जानते हैं अनुपमा के आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। अनुपमा और अनुज रूम में लौटते हैं, वहीं पर अनुपमा अपनी साड़ी से रेत झाड़ रही होती है। अनुज अनुपमा से कहता है, तुम रेत से किनारा कर लोगी लेकिन दिल की बातों से किनारा कैसे करोगी। अनुज कहता है, अनुपमा कुछ बोलो, तो वहीं पर अनुपमा अनुज की कही हुई बातों को सोचती है। वहीं दूसरी तरफ किंजल काव्या को समझाती है। इसके बाद में अनुपमा अनुज से कहती है, सब रिटायर हो जाते हैं सिवाय माँ के। अनुपमा कहती है, कोई भी ये नहीं मानेगा कि माँ बनना जितना सुखद है उतना ही कठिन है। इसके बाद में अनुपमा कहती है, माँ बनना तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने जैसा है। अनुपमा कहती है, अब चाहे जो भी हो लेकिन वो माँ नहीं बन सकती। और वहीं दूसरी तरफ वह किंजल को देखकर दरवाजे के पीछे खड़ी होकर किंजल को बुरा बुरा कहती है और साथ ही साथ अनुपमा को भी याद करती है। अनुपमा उससे कहती है कि मेरी अब उम्र नहीं रही कि मैं अम्मा बनूं और शायद आपकी भी। लेकिन बाद में अनुपमा छोटी बच्ची को गोद लेने के लिए तैयार हो जाती है। अनुपमा की बातों को सुनकर अनुज काफी खुश हो जाता है। इसके बाद में दोनों अनाथ आश्रम जाते हैं। अनाथ आश्रम में अनुज छोटी बच्ची से कहता है, आपके पेपर जैसे ही रेडी हो जाएंगे हम आपको यहाँ से ले जाएंगे। छोटी बच्ची अनुज से कहती है, ठीक है मैं आपका वेट करूंगी। इसके बाद में अनुपमा और अनुज कपाड़िया हाउस वापस आ जाते हैं। इसके बाद में दोनों दरवाजे पर खड़े होकर रोमांस करते हैं। अनुज कहता है, हम लोग हनीमून के लिए गए थे लेकिन हमको असली खुशी अपने घर वापस आकर हो रही है। और वहीं पर अनुज अनुपमा के गाल पर किस करता है। और जब अनुज अनुपमा को किस कर रहा होता है ठीक उसी समय अनुज की भाभी गेट को खोल देती हैं और ये देखकर अनुज और अनुपमा चौंक जाते हैं। तो दोस्तों ये थी अच्छी खबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा और टीवी जगत से जुड़ी हुई हर पली खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। चलिए मिलता हूँ आपसे फिर से एक नए एपिसोड के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।